हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, सब अच्छे होंगे। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम जाएंगे फ्रांस के गेट पे, ठीक है, जहाँ पे मतलब कि आज रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। अपने प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए हुए हैं अपने नौजवानों को लेकर, अपनी इंडियन आर्मी को लेकर, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 30,000 बताया जा रहा है जो इंडियन आर्मी आई है, वो 30,000 के आसपास हैं। और हम भी बस जाने की तैयारी में ही हैं, ठीक है। थोड़ी देर में हम भी निकलेंगे। फिलहाल मैं आया हुआ था अपनी कटिंग वगैरह करवाने के लिए। बाकी दो भाइयों का और फ़ोन आया था जो पहले हमारे साथ यहीं पे रहते थे, ठीक है, वो फिलहाल रह रहे हैं दूर हमसे थोड़ी सी। तो उनका फ़ोन आया था कि कैसे, कब जाना है, किस टाइम क्या करना है। तो मैंने उनको भी ये बात कही है कि फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ कटिंग करवाने, उसके बाद ही चलते हैं आपा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 1.5-2 घंटे बाद, फ़िलहाल 10 बजे हुए हैं, ठीक है। हम जाएंगे 12-1 बजे के आसपास, जो भी टाइम, जितना टाइम लगेगा। अब बाकी एक बंदा भी अंदर हैं, अभी देखते हैं हम कटिंग करवाने के लिए। अभी बंदा एक बैठा है, बाकी सामने भाई साहब बैठे हैं, ये साइड में ये सब हम यहीं आए हुए थे, ठीक है। इसमें भी एक बंदा बैठे हैं, तो वगैरह भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। बाकी बने रहना वैसे इस वीडियो में, दिखाते हैं आज आपको अपना क्या है फ्रांस का रिपब्लिक डे विद अपने प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, विद अपनी इंडियन आर्मी, ठीक है, जिसको को सभी इंडियन लोग पसंद ही करते हैं, ठीक है। अपनी इंडियन आर्मी को तो सभी लोग पसंद करते हैं, अपने ये नहीं कि अपने इंडिया में, अपने बाहर भी, ठीक है। क्योंकि इंडियन आर्मी की तरह कोई आर्मी नहीं है इंडियन आर्मी की जैसी, मतलब, ठीक है, जैसे उनकी परेड। क्योंकि स्पेशल इंडियन आर्मी को और मोदी जी को बुलाया गया फ्रांस में, सिर्फ और सिर्फ किस लिए वो आपको पता ही है, क्योंकि हम इंडियन हैं, इंडियन आर्मी की परेड देखने के लिए, ठीक है। तो बाकी दिखाएंगे आपको भी। तो फिलहाल मैं करा लेता हूँ थोड़ी कटिंग, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मैं जब से आया हूँ एक महीने से ऊपर हो गया। बाहर को आया था, उससे पहले ही मैंने घर वहीं कटिंग कराई थी इंडिया में ही। अब यहाँ आपकी देखती हैं यहाँ भी कटिंग कैसे होती है, यहाँ की करा के देख लेते हैं। बाकी कटिंग के हैं यहाँ पे 10 यूरो, और अगर हम ओनली अपना ये बियर्ड की सेटिंग करवाएँ तो अलग से हैं तो 8 यूरो। अगर हम ओनली बियर्ड की सेटिंग कराएँ, अगर हम दोनों ही कटिंग और बियर्ड इकट्ठी कराएँ तो वो 15 यूरो में पड़ जाती है, ठीक है। तो देखता हूँ अभी मैं बियर्ड की तो शायद ही कराऊँ, बाकी जैसे भी होगा वो आपको बता दूँगा। फिलहाल मेरे को करानी है कटिंग, क्योंकि बियर्ड तो मैं अपना घर भी अपने आप कर लेता हूँ सेटिंग, क्योंकि मुझे हैबिट हो रखी है घर पे भी, इंडिया में भी मैं अपने आप ही करता था। बाकी जैसे भी होगा आप लोगों को दिखाऊंगा, तो बने रहना मेरे साथ इस वीडियो में, ठीक है, पूरी वीडियो जरूर देखना, ठीक है। आज आपको दिखाऊंगा अपना फ्रांस का रिपब्लिक डे इंडियन आर्मी के साथ, ठीक है। बाकी कल की वीडियो आपने देखी होगी रात को, जैसे मैंने एंजॉय किया, ठीक है, वो आपने देखा ही होगा। बाकी इस टाइम हालत और रखी है बुरी, आप लोगों को दिख ही रही होगी, बिना नहाए धोए बस सुबह उठ के अपना नहा धो के, नहीं सुबह नहाए नहीं, मैं नहाऊंगा अभी घर जाके, खाना खा पी के मैं और भाई जी आ चुके हैं। अभी हम जाके नहाएंगे धोएंगे, फिर हम जाएंगे फ्रांस के गेट पे, ठीक है, रिपब्लिक डे को देखने के लिए। ये नहीं कि वहाँ ख़त्म हो चुका है, चल रहा है अभी भी, हमने यूट्यूब पर भी देखा था, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं आपको थोड़ी देर तक, तो बने रहना मेरे से वीडियो में। तो गाइस हम आ चुके हैं अंदर अपनी शॉप पे, ठीक है, कटिंग करवाने के लिए। बाकी अंकल जी लगे हुए हैं कटिंग करने के लिए, ठीक है। भाई साहब जी बैठे हैं इधर देख रहे हैं टीवी, तो देखते हैं, अभी देखते हैं थोड़ी देर में जब मेरी बारी आएगी तो वो भी दिखाएंगे आपको जब मेरी बारी आएगी। बाकी हालत तो खराब हो ही रखी है, तो वो दिखाएंगे आपको कटिंग कुटिंग कराने के बाद कैसे की जो भी होएगा दिखाएंगे आपको। तो बने रहना वीडियो में।
तो गाइस कटिंग कुटिंग करवा के अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। आपने देखा ही होगा कटिंग कराते हुए मेरे को, ठीक है। तो हम जा रहे हैं घर पे, तो अब नहा धो के होके रेडी तो चलेंगे अब फ्रांस के गेट पे, ठीक है। तो मिलते हैं अब सीधा नहा धो के, ठीक है। तो बने रहना इस वीडियो में, दिखाएंगे आपको अगर टाइम पे पहुंच पाए। वैसे वहाँ का टाइम जो था 10 बजे के हिसाब से स्टार्ट होना था, बट हम 10 बजे उठ के यहाँ पे आए थे, ठीक है। तो जैसे भी होगा आपको दिखाएंगे, अगर नहीं भी होगा तो उसके लिए समा बाकी जो। तो गाइस हम निकल चुके हैं, ठीक है, अपना रिपब्लिक डे को देखने के लिए। बाकी हम हो तो बहुत लेट चुके हैं, 12:30 बज चुके हैं हमको। बाकी देखते हैं कुछ दिखेगा या नहीं दिखेगा, तो जैसा भी होगा दिखाएंगे आपको। मेरे को पता है कि हम लेट हो चुके हैं क्योंकि सुबह जो हमारी आँख नहीं खुली क्योंकि हम रात को लेट आए थे 2 बजे के आसपास, तो आके सो गए थे। तो सुबह 10 बजे के आसपास आँख खुली, उसके बाद फिर कटिंग वगैरह भी करवाने जाना था। बाकी कटिंग आज ही करवाई है मैंने, तो कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लग रहा हूँ, ठीक है। एक फ़ोटो पूरी डाल दूँगा साइड में, ठीक है, पूरी क्लिक करके। बाकी अभी आज ही कराइए, तो प्रॉपर सेटिंग तो एक दिन में आती नहीं, आपको भी पता है। बाकी फ़िलहाल हम जा रहे हैं अपना वहीं स्टेशन पे ग्रंसी, उसके बाद छतले या गार्डन और कहीं तो जाएंगे, वहाँ से लेंगे हम दूसरी ट्रेन। बाकी दो भाई जो आ रहे हैं वो भी हमको वहीं मिलेंगे, वो भी निकल चुके हैं, बात हुई थी उनसे, ठीक है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने स्टेशन पे, ठीक है, जहाँ से हमने जाना है छतले, उसके बाद हमने ट्रेन चेंज करनी है, ठीक है। हम फिलहाल यहीं वेट कर रहे हैं, अभी ट्रेन आने वाली है, टाइम है 2 मिनट में आने वाली है, आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। बस आई गई है, अभी 2 मिनट आ रहा था, बस पहुंच गई है। बाकी देखते हैं, तो लेके चलते हैं आपको सीधा, ठीक है। तो मिलते हैं आप सीधा आगे ही, ठीक है, आगे छतले दो दोस्त हैं वो भी आएंगे, तो उनके साथ मिलवाएंगे आपको। तो हम सारे मिलके जाएंगे वहाँ पे, जैसे अपना इंडिया गेट है वो आपको पता ही है, तो जैसे भी होएगा बताते रहेंगे आपको, दिखाते रहेंगे, तो बने। तो गाइस हम बैठ चुके हैं ट्रेन में, ठीक है, अब हम यहाँ से जाएंगे सारदेगुल, ठीक है, जहाँ पे अपना जो है इंडिया वो गेट है, ठीक है। एक भाई वो खड़े हैं चश्मा लगा के, एक ये खड़े हैं मेरे साथ अमन जी, बाकी अपना भाई सालू साहब, ठीक है। तो हम जाएंगे सीधा गेट पे, तो वहीं मिलते हैं आपको सभी को। फिलहाल हम जा रहे हैं ट्रेन में, ठीक है, इतना ट्रेन का सफ़र का मज़ा लीजिए। इसमें 2 सीटें हैं, ऊपर भी है बैठने के लिए और नीचे भी है, ठीक है, 2 सीटें हैं इसमें, नीचे भी है। ये है RERA मेट्रो स्टेशन, मेट्रो गाड़ी है RERA, इसमें ऊपर भी सीट है नीचे भी है, ठीक है। तो आपको अभी और आगे चल के मिलते हैं, बाकी वो भाई जी खड़े हैं, उसके बाद आप मिलते हैं आपको सीधा अगले, मतलब। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने मेट्रो स्टेशन पे, ठीक है, अब हम जा रहे हैं सीधा गेट की तरफ, ठीक है। तो मिलते हैं सीधा गेट की तरफ ही, भाई भाई आगे जा रहे हैं, बाकी दो भाई पीछे आ रहे हैं, ठीक है, एक आगे चले चुके हैं, बाकी अब मिलते हैं आपको सीधा आगे जाकर ही, कि आज थोड़ी। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने यहाँ के फ्रांस के इंडिया गेट पे, ठीक है, जो कि आपके बिल्कुल सामने ही है, ठीक है। ये है कि मेट्रो से बाहर आते ही है, मेट्रो से बाहर निकलते ही, ठीक है, मेट्रो के पास ही है, बाकी आसपास यहाँ आप लोग भीड़ देख ही रहे होंगे, ठीक है, बाकी देखते हैं अभी।
तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल पास, ठीक है, आप लोग देख ही सकते हो, ठीक है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा ये फ्रांस का टावर, और ऊपर भी लोग चढ़े हुए हैं बिल्कुल ऊपर चोटी पे, इस टाइम आपको दिख नहीं रहे हैं, बाकी व्यू तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। यहाँ से वो दूर तक, वहां से पेड़ स्टार्ट हुई थी दूर से, बाकी आसपास का व्यू आप देख ही सकते हो। तो गाइस हम आ चुके हैं अपोजिट साइड, पहले हम उस सामने खड़े थे, ठीक है, और यहाँ पे मतलब ऊपर जाने के लिए एंट्री भी है, लेकिन फ़ोन वगैरह कुछ भी ऊपर अलाउड नहीं है, तो ऊपर जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हम आपको ऊपर से कुछ दिखाई ना पाऊँ, ठीक है, तो ऊपर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम यहीं से देख लो आप जो कुछ भी आप देखना चाहते हो नीचे से ही, ठीक है। बाकी सामने का व्यू, बाकी आसमान में भी बादलों का नज़ारा, ठीक है, कितना औसम है, बहुत ही ज़्यादा व्यू, एक नंबर, ठीक है। आसपास की लोकेशन भी आप देख ही सकते हो, ठीक है ना, कितनी औसम है आसपास की सारी जगह, बड़े बड़े ये कुछ भी हो सकते हैं, ऑफिस लगा लो या कुछ भी, ठीक है, कितने औसम जो तरीके से बनाए हुए हैं। बाकी ये यूरोप का, फ्रांस का फ्लैग, ठीक है, बाकी आपको और पीछे चल के दिखाऊंगा। तो गाइस अब हम थोड़ी बहुत ही अपना जो है वीडियो शूट कर लेते हैं या फोटोग्राफी वगैरह कर लेते हैं, बाकी आप लोगों ने देख ही लिया होगा यहाँ की परेड, ठीक है ना, बाकी मोदी जी के भी आपको दर्शन हो चुके होंगे, अपने प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी के, और अपने इंडियन आर्मी के भी, उनके आपने परेड देख ही ली होगी। तो फिलहाल क्या है, हम अपना देख रहे हैं फोटो शूट के लिए, उसके बाद जो है आज आईफिल टावर का भी हमने प्लान बनाया था, लेकिन ऑनलाइन चेक किए मेट्रो चल नहीं रही है वहाँ पे आज का, कल सुबह तक पता नहीं किस कारण से, तो फिलहाल हम यहीं से वापस चले जाएंगे, कल या परसों देखते हैं, क्योंकि कल सैटरडे है, परसों संडे है, तो जैसा भी होगा आप सबको दिखाऊँगा, तो बने रहना मेरे वीडियो में, अभी आपको देखते हैं, अगर फिर भी कहीं और जाने का प्लान बना तो जरूर दिखाऊंगा, फिलहाल हम थोड़े यहाँ पे फोटोग्राफी कर लेते हैं, ठीक है, बाकी आसपास की लोकेशन व्यू तो आज बहुत औसम हो रखा है, ठीक है, सामने बिल्डिंग्स, पब्लिक उधर बहुत ज़्यादा पब्लिक खड़ी है सामने, क्योंकि वहाँ से लोग क्या है कि फोटो सही आती है कि पीछे ही आ जाए अपना गेट, बाकी मेरे वाले बंदे पता नहीं कहाँ गए, तीनों के तीन गायब हो चुके हैं, पता नहीं कहाँ गए, तो कर लेते उनको कॉल, मिलते हैं फिर उसके बाद उन्हीं के साथ फोटो वगैरह क्लिक कराएंगे। तो गाइस अभी ना कुछ जो भी प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो उनके लिए ये तैयारियां कर रहे हैं लोग, ठीक है ना, लगे हुए हैं, हमको पीछे हटने के लिए कह रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे, तो जो भी आएगा आपको दिख।
ये देखिए इसकी इस चीज की गई थी पहले वहां की ना। Cette flamme qui nous inspire enfin la reconnaissance à l'égard des soldats qui, aujourd'hui comme hier, servent la France, parfois au péril de leur vie. Notre présence ce soir nous engage, chacun à notre place, à servir notre pays dans le recueillement, le courage et l'héroïne de ces soldats, pour lesquels cette flamme a brillé depuis très longtemps. Ce soir, les militaires de l'opération 5 à la Sentinelle appartenant au 3e régiment parachutiste d'infanterie de marine de हम जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो मिलते हैं अब आपको सीधा घर की तरफ। प्रोग्राम हो चुका है ख़त्म, आपने देखा ही होगा, ठीक है ना। बाकी ये इंडिया गेट आप देख लो अपना, ये फ्रांस का गेट, ठीक है, इंडिया गेट की तरह ही है अभी। तो मिलते हैं आप सीधा घर की तरफ, इतना हम यहाँ थोड़ा फोटोशूट वगैरह कर लेते हैं, तो मिलते हैं आप सीधा बाद में। तो गाइस प्रोग्राम तो आपने देखा ही होगा, जैसा कैसा था जो भी था, समझ मुझे भी नहीं आया। आई थिंक जैसे अपने वहाँ सलामी देते हैं, ठीक है, अपने शहीदों को नमन करते हैं, वही चीज़ होगा यहाँ पे, वही चीज़ हुआ होगा अभी। बाकी वो सब देखने के बाद हम निकल चुके हैं अपने घर की तरफ, ठीक है। तो बाकी हमने फोटो तो क्लिक की हैं, वो भी जो भी होगा आपको दिखा दूँगा। बाकी चलो मिलते हैं सीधा घर पे ही, क्योंकि टाइम हो चुका है, 7 बज चुके हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अब सीधा घर पर ही।